चौपैया वहां से हो रही अवैध शराब की तस्करी पर स्थानीय अपराध शाखा ने छापा मारते हुए 5,88,240 रुपए का माल जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लिया। जिले में अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की मुहिम शुरू की गई है। इसी के चलते शहर के वरोरा नाका परिसर में स्थानीय अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी को पकड़कर लाखों का माल जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी व कर्मचारी रामनगर पुलिस थाना अंतर्गत गश्त कर रहे थे। इस समय उन्हें जानकारी मिली कि एक चौपहिया माल वाहन गाड़ी में अवैध शराब की तस्करी हो रही है और इसी के आधार पर एलसीबी ने चंद्रपुर वरुण नाका परिसर में नाकाबंदी कर वाहन की जांच की। जांच दौरान वाहन के डाले में एक कप्पर तैयार कर उसमें 70,000 रुपए की देसी शराब व 18,280 रुपए की विदेशी शराब की बोतलों को छुपाया गया था। इस मामले में पुलिस ने शराब व वाहन सहित कुल 5,88,240 रुपए का माल जब्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। उक्त कार्रवाई DYSP प्रमोद चौगुले, पुलिस उप निरीक्षक महेश कोंडावार, सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कांकरेडवार, उप निरीक्षक संतोष निबोरकर, नितेश महात्मे, चेतन गज्जलवार, किशोर वाकाटे, अमोल सावे, प्रफुल गारघटे, प्रमोद कोटना के, प्रशांत गुलदांदे आदि ने की है।